हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं काफ़ी टाइम से, दैट इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट चैप्टर्स। तो हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स में, जीएसटी में, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, थोड़े से करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करवा पा रहा मैं। ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर आज हम लोग अपना अगला चैप्टर करेंगे, लेकिन वो वीडियो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है अन अकेडमी के बिहाफ पे। आज 20 तारीख है, आने वाले 23 तारीख को, दैट इज संडे को, सीए फाउंडेशन का कॉम्बैट होने वाला है अन अकेडमी के ऊपर। ये जो कॉम्बैट है, ये इस बार मेगा कॉम्बैट है, जिसके अंदर आपको सिर्फ प्राइजेस, सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं, उसके अलावा आपको साथ में कुछ प्राइजेस भी दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पे आपको एप्पल पैड दिया जाएगा, आपको जेबीएल के स्पीकर्स दिए जाएंगे, कुछ आपको अमेज़न वाउचर्स दिए जाएंगे, जो लकी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको। मेरे बेटा, ये जो कॉम्बैट है संडे को 23 तारीख को होगा दोपहर 12 बजे। इस कॉम्बैट के अंदर आपको हमेशा 40 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो चार अलग अलग सब्जेक्ट में से 10 10 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको 1 घंटे के अंदर इनका रिप्लाई करना होता है। और उसके बाद अक्रॉस इंडिया जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उन सबका एक मेरिट बनता है, और जो टॉप मेरिट होल्डर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप्स और इस तरह के कुछ इनाम दिए जाते हैं। जो भी ये कॉम्बैट की सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसको एक कोड यूज करना होगा, जिसकी वजह से क्लास वो स्टार्ट कर पाएंगे, अपना ये टेस्ट स्टार्ट कर पाएंगे। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, और कोड आपको याद रखना है, दैट इज सी ए जोहर। अगर आप मेरा कोड सी ए जोहर यूज करके पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको इस तरीके से प्राइजेस मिल सकते हैं। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन लेते समय भी सी ए जोहर का कोड ध्यान रखिएगा, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो डेट सेव कर लीजिए, टाइम सेव कर लीजिए, 23 तारीख को, कमिंग संडे को, दोपहर 12 बजे, आपका सी ए फाउंडेशन का कॉम्बैट, मेगा कॉम्बैट, जिसके द्वारा आप आईपैड भी जीत सकते हैं। और अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये सीरीज, एंड हेयर इज दैट वीडियो फॉर यू। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा पेज नंबर 380, और पेज नंबर 380 के ऊपर एमसीक्यूज हैं, लगभग 40 एमसीक्यूज मैंने आपको दिए हुए हैं। जरा फटाफट एक बार एमसीक्यूज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, एमसीक्यू पार्ट वन ऑफ द चैप्टर। पहला एमसीक्यू, एन एसएससी यूजेस प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन हिज बिजनेस, अंडर सेक्शन 31 ही शेल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर रहा है, तो प्लांट एंड मशीनरी का जो रिपेयर्स का खर्चा होगा या रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा, वो उसका अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट लेगा। कैपिटल एक्सपेंसेस के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा सेक्शन नंबर 32 के हिसाब से। क्वेश्चन टू, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145 एंड एसएससी कैन फॉलो। सेक्शन 145 कहता है कि आप एसएससी होके एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, दोनों में से कुछ भी फॉलो करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक आप दोनों में से जो भी फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है, एट दैट एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने आपको सेक्शन नंबर 28 बताया था, सेक्शन 28 में मैंने बताया था कि अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मैच्योरिटी पे मिलता है और जिसने पॉलिसी करवाई है उसी को मिलता है, तो वो टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, अगर कोई परक्विजिट्स रिसीव करता है व्हाइल डूइंग हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैंने आपको लॉयर का एग्जांपल दिया था कि लॉयर जो है वो बॉम्बे से दिल्ली आता है, उसको फाइव स्टार होटल में रहने के लिए सुविधा दी जाती है, तो वो सब कुछ उसके लिए टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। वो आपसे पूछ रहे कि इनमें से क्या ऐसा है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होगा। पहला, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट बिल्कुल टैक्सेबल होगा। किसी भी प्रकार के ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन का पैसा बिल्कुल टैक्सेबल होगा। पार्टनर को मिलने वाला सैलरी का पैसा बिल्कुल टैक्सेबल होगा, लेकिन हॉर्स रेसेस का पैसा अदर सोर्सेस में जाता है, ये टैक्सेबल
बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर जे हु कैरीज ऑन एन एजेंसी बिजनेस हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ 5 लाख रुपए फ्रॉम हिज प्रिंसिपल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी, द कंपनसेशन अमाउंट सो रिसीव शैल बी। आपको याद है मैंने अमाउंट रिसीव फॉर नॉट डूइंग अ बिजनेस एंड प्रोफेशन का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको वो एक मूवी का एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने आपको थम्स अप और कैंपोकोला वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। तो दीज काइंड ऑफ पेमेंट्स दैट यू आर गेटिंग अंडर अ प्रॉमिस ऑफ नॉट डूइंग अ बिजनेस एंड प्रोफेशन, दे आर ऑलवेज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्वेश्चन 7, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय द पार्टनर फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ। पार्टनर्स को मिलने वाला पैसा पार्टनरशिप फॉर्म से हमेशा टैक्सेबल होगा एज द इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्वेश्चन 8, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, डिविडेंड डिराइव्ड फ्रॉम द शेयर्स व्हिच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। तो डिविडेंड जो आप डिराइव कर रहे हैं वो स्टॉक इन ट्रेड, डिविडेंड डिराइव्ड फ्रॉम द शेयर्स व्हिच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ डिविडेंड। हाँ बिल्कुल, डिविडेंड का पैसा हमेशा टैक्सेबल होगा एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। क्वेश्चन 9 पे जाएंगे, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रॉफिट्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस इज, स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो हमेशा टैक्सेबल होगा एज द इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्वेश्चन 10, जे लिमिटेड मेड अ प्रोविजन ऑफ 12 लाख रुपए फॉर बोनस पेबल फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 21। 12 लाख का प्रोविजन है, इट पेड 7 लाख रुपए ऑन 3 जुलाई एंड 3 लाख रुपए ऑन 30 सितंबर एंड 3 लाख रुपए ऑन 15 दिसंबर, द अमाउंट विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 43B शैल बी। मेरे बेटा याद रखिएगा, 43B में कितना जाएगा, 43B में सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा जो आप ITR की ड्यू डेट तक सबमिट कर पे कर चुके हैं। जे लिमिटेड लिखा हुआ है, जे लिमिटेड का मतलब कंपनी का केस है, कंपनी के केस में 31 अक्टूबर इज द ड्यू डेट, तो 31 अक्टूबर तक जो आपने पे कर दिया वो डेबिट हो जाएगा, तो उसके बाद जो पे किया वो डेबिट नहीं होगा। तो आपने 31 अक्टूबर तक कितना पे कर दिया वो काउंट कर लीजिए, यहां पे लिखा हुआ 7 और 3 10, तो 10 लाख रुपए वो पे कर चुका है, तो आप 10 लाख रुपए का डिडक्शन अलाउ कर देंगे, बाकी का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 11, सैलरी रिसीव बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज कंसिडर्ड इन हिज पर्सनल असेसमेंट एज, पार्टनर को मिलने वाला पैसा पार्टनरशिप फर्म से टैक्सेबल होगा एज द इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्वेश्चन 12, वेयर एन एसएससी इज डूइंग अ बिजनेस इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मेड टू द पर्सन इन अ डे एक्सीड्स 10,000, शुड बी पेड थ्रू अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट टू क्लेम द डिडक्शन फॉर सच एक्सपेंसेस, द रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू। वो ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए का जो कंडीशन है वो कहां पे अप्लाई नहीं होगी, पेमेंट टू द आरबीआई बिल्कुल ठीक बात है, पेमेंट टू द कल्टीवेटर दैट इज एग्रीकल्चर ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, पेमेंट ऑफ द टर्मिनल बेनिफिट्स, टर्मिनल बेनिफिट्स इज योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपए, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये वाली बात भी 100% ठीक होगी, ऑल ऑफ द अबव भी। क्वेश्चन 13 पे आ जाते हैं, जीजीसी लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड 8,70,000 रुपए टूवर्ड्स अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट टू ऑफ इट्स इंप्लॉइज, इट एक्चुअली रिमिटेड 5 लाख रुपए अप टू 31 मार्च 2021 एंड 2.5 लाख रुपए अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, द अमाउंट लायबल टू टैक्स इन दिस असेसमेंट वुड बी। याद रखिएगा, 8,70,000 रुपए का अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें से 5 लाख रुपए का पैसा जमा करवाया मार्च में और 2.5 लाख रुपए का पैसा ड्यू डेट तक जमा करवा दिया, बाकी का पैसा जमा नहीं करवाया। तो वो कह रहा है कि कितना लायबल टू टैक्स है, दैट इज जो अमाउंट नॉट डिपॉजिटेड है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और वो कितना पैसा है, 1,20,000 रुपए का पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, जो जमा करवा दोगे उसका प्रॉफिट और लॉस का डेबिट मिल जाएगा, जो जमा नहीं करवाओगे वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन 14, जीजीसी एंड कंपनी इज एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी कुड नॉट रिकवर 5 लाख रुपए फ्रॉम द कस्टमर, इट क्लेम द एंटायर अमाउंट एज ए बैड डेट बाय राइटिंग ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
₹5 लाख का पैसा रिकवर नहीं हुआ और ₹5 लाख का सारा पैसा बैड डेट्स में उसने राइट ऑफ कर दिया है। ड्यूरिंग द ईयर द एग्रीगेट सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर टू द पार्टी अमाउंट टू ₹30 लाख। द अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन बाय वे ऑफ बैड डेट इज, बैड डेट में आप पूरे का पूरा ₹5 लाख क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं थी, वो इधर उधर की बातें घुमा रहा है। ₹5 लाख का बैड डेट से डेबिट कर दे रहे पीएल अकाउंट में। क्वेश्चन 15, जीजी सेन कंपनी पेड ₹40,000 बाय कैश टू मिस्टर बालू अ सप्लायर ऑन 5th of September 2020। द कैश पेमेंट वॉज मेड ऑन अ डे ऑन विच बैंक्स वॉज क्लोज ड्यू टू स्ट्राइक। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर लायबल फॉर डिस अलाउंस विल बी पूरे का पूरा ₹40,000। याद रखिएगा ये वाला जो कंसेप्ट था कि बैंक्स आर क्लोज ड्यू टू हॉलीडे और बैंक्स आर क्लोज ड्यू टू स्ट्राइक, ये पिछले साल तक होता था। इस साल से इस कंसेप्ट को हटा दिया गया है, इस वजह से सारा का सारा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। राजू सक्सीडेड टू अ बिजनेस ऑफ हिज फादर रामू कॉन्सिक्वेंट टू द डिवाइस ऑफ रामू इन November 2020। तो रामू की डेथ हुई, रामू की डेथ के बाद उसके बेटे राजू ने बिजनेस को टेक ओवर कर लिया और राजू रिकवर कर रहा है ₹30,000 एज बैड डेट्स। याद करो मैंने आपको करवाया था पीके कमाल का केस। पीके कमाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसका बैड डेट है उसी के लिए टैक्सेबल करेंगे, किसी और ने अगर उसको रिकवर किया तो टैक्सेबल नहीं करेंगे। पार्टनरशिप फर्म का बैड डेट है, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में अगर रिकवरी होती है तो वो टैक्सेबल करेंगे, पार्टनर रिकवर करेगा तो टैक्सेबल नहीं करेंगे। सेम केस यहां पे है। सो दिस अमाउंट विल नॉट बी टैक्सेबल, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर राजू। फॉर राजू, रामू की तो वैसे डेथ हो चुकी है, मतलब नहीं बनता टैक्सेबल करने का। 17, एक्सपोर्ट इंसेंटिव विच आर रिसीव बाय द एसएससी आर, आपको याद होगा मैंने सेक्शन 28 में आपको बात बताई थी कि सेक्शन 28 के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी हम लोग यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे, फाइनल में जाकर डिस्कस करेंगे। उनमें से एक पॉइंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव का है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव का पैसा टैक्सेबल होगा एज अ बिजनेस इनकम, टैक्सेबल होगा एज अ बिजनेस इनकम, लेकिन वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, फाइनल में जाकर डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से ट्रेड एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन का पैसा, ये भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, सीए फाइनल में डिस्कशन होगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 19, बैड डेट इनकर्ड आर अलाउड टू बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रू या फॉल्स? बैड डेट का पैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हो, 100% ठीक है। बैड डेट्स ऑफ अ बिजनेस आर अलाउड टू बी डेबिटेड अंडर सेक्शन नंबर 36, 37, 35, 32, आंसर इज 36। 36 में बैड डेट्स को आप डेबिट कर सकते हैं। 21, द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अलाउड टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, आंसर दोनों हो सकते हैं। अगर आप ये कहें कि सर बैंकिंग कंपनी के केस में प्रोविजन को डेबिट करना अलाउड है तो आंसर इज ट्रू, लेकिन बाकी केसेस में बैड डेट्स को डेबिट करना अलाउड नहीं है तो आंसर इज फॉल्स। मैं ये बोलूंगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप फॉल्स मान के चलिए, क्योंकि ट्रू तो कंडीशनल है ना, जेनरिक आंसर ट्रू तो नहीं है, ट्रू जो है वो तो कंडीशनल है। इस वजह से फॉल्स शुड बी द मेन आंसर, जो फर्स्ट रेफरेंस में आपका आंसर क्लिक करना चाहिए, दैट इज फॉल्स। 22, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ आईटीआर और एक्सपेंडिचर टू फाइट एन इनकम टैक्स केस इज अलाउड टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आंसर इज यस ट्रू। 23, कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द सेक्शन फॉर दिस इज द कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इज डिस अलाउड, इसका सेक्शन होगा सेक्शन 40A एंड साथ में रूल 6DD, तो आंसर लास्ट वाला। कैश पेमेंट ऑफ मोर देन ₹10,000 अंडर 40A सबसेक्शन 3 आर डिस अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ, पूरा का पूरा 100% डिस अलाउ हो जाता है। किसी जमाने में हम लोग 30% करते थे, आजकल तो 100% डिसअलाउ हो जाता है। 25, विद द पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्लेम्ड एज अ डिडक्शन बाय द एसएससी कैरिंग ऑन अ बिजनेस एंड प्रोफेशन अदर देन हु इज इन अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक्सीड्स ₹10,000, इट शुड बी पेड बाय, याद रखिएगा इट शुड बी पेड बाय एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एंड सो ऑन। इसमें एक काम कर देना, अननेसेसरी आप भी परेशान रहोगे, मैं भी परेशान रहूंगा,
आप इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है ई वॉलेट्स, वो ई वॉलेट वर्ड कट कर दीजिएगा, ई वॉलेट्स नहीं आएगा, ई वॉलेट वर्ड को आप कट कर दीजिए। देन 26, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस इज अलाउड टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द सेक्शन फॉर दिस इज, जो पेमेंट बेसिस है उसके लिए डेबिट होगा सेक्शन नंबर 43B। क्वेश्चन नंबर 27, इन केस द एसएससी फॉलोज अ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बोनस एंड कमीशन ऑफ एम्प्लॉइज आर अलाउड एज डिडक्शन ऑन, अगर मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है तो बोनस एंड कमीशन का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा सेक्शन 43B में कई कंडीशन के हिसाब से आप पे कर दें। अगर आपने आईटीआर की ड्यू डेट तक पे कर दिया तो जिस साल का खर्चा था उस साल डेबिट हो जाएगा, अगर आपने बाद में पे किया तो जिस साल पे किया उस साल डेबिट हो जाएगा। 28, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन रिसीव बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज, पार्टनर को मिलने वाला पैसा इंटरेस्ट का पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, लेकिन कितना होगा? टू द एक्सटेंट, यहां पे लिखा हुआ है जितना पैसा पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में डेबिट होगा, जितना पैसा पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में डेबिट होगा उतना पैसा पार्टनर के लिए इनकम मान लिया जाएगा। सो टू द एक्सटेंट इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। तो जितना पैसा पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में डेबिट होगा उतना पैसा पार्टनर की बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। क्वेश्चन 29 पे आ रहे हैं, वेयर एन एसएससी इज कैरिंग ऑन अ स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर अंडर 35AD। अच्छा 35AD मैंने आपको अभी तक करवाया नहीं है, 35AD मेरे ख्याल से आने वाली एक दो क्लासेस में होगा, पर मैं आपको वैसे बता देता हूं 35AD कहता है कि आप सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दीजिए, लेकिन क्या डेबिट नहीं कर सकते? गुडविल का खर्चा, लैंड का खर्चा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाएंगे। 30 में जाता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनमें से क्या क्या टैक्सेबल होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक सीए फॉलो में जाके करेंगे, यस ये टैक्सेबल होगा। सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी टैक्सेबल होगा, तो आंसर इज सी, बोथ आर टैक्सेबल एज बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। क्वेश्चन 31, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 37, द स्टेटमेंट इज, बिल्कुल गलत है, कैपिटल एक्सपेंसिस को आप कभी भी डेबिट नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट गलत है। 32, any expenditure which is incurred by the SSE for any purpose which is an offence, अगर offence है तो आप offence का खर्चा profit and loss account में debit नहीं कर सकते, it is not to be for the business and professional purposes, not allowed to be debited. 33, if the payment is in the nature of compensation then it shall be, याद रखना penalty अगर compensation के nature की है तो आप उसे interest बोलते हैं। मेरे बेटा अगर कोई पेनल्टी पनिशमेंट के नेचर की है, मैं ऐसे बोलता हूं, मैं अगर आपके ऊपर कोई मॉनेटरी पनिशमेंट लगाई जा रही है, मॉनेटरी पनिशमेंट, तो मॉनेटरी पनिशमेंट जो है उस मॉनेटरी पनिशमेंट का जो अमाउंट होता है उसे हम लोग पेनल्टी बोलते हैं, डेबिट करना अलाउड नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी का पैसा इस्तेमाल किया, कुछ टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल किया और आप उसे कंपनसेट कर देते हैं बाय गिविंग द इंटरेस्ट, तो कई बार कई लोग बोलते हैं जो इंटरेस्ट है वो भी एक तरह से पेनल्टी है, लेकिन वो कंपनसेटरी नेचर की है कि हम टाइम पीरियड को कंपनसेट कर रहे हैं, इस वजह से पेनल्टी इन द नेचर ऑफ दिस कंपनसेशन इट इज बेसिकली एन इंटरेस्ट एंड इट इज अलाउड टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर सेक्शन नंबर 37। 34, एनी इंटरेस्ट पेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इट इज अलाउड टू बी डेबिटेड, बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 36, जो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे, कहता है कि क्या प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक डेबिट हो सकता है? यस हो सकता है। क्या पार्टनर की लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर प्रीमियम पे करें तो डेबिट हो सकता है? हो सकता है।
अगर कोई आपने हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा पे किया है तो क्या वो डेबिट हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे प्रीमियम का पैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। 36 एज पर सेक्शन 38 सबसेक्शन 2, चलो बात यही खत्म हो गई। सेक्शन 38 याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई खर्चा ऑफिशियल और पर्सनल दोनों कामों के लिए है तो जितना प्रोपोर्शन पर्सनल काम के लिए है वो डेबिट नहीं होगा, जितना प्रोपोर्शन ऑफिस के काम के लिए है वो डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे सीधी सीधी सी बात हमारे पास आ जाती है दैट इट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फेयर प्रोपोर्शनेट पार्ट देयर ऑफ व्हिच असेसिंग ऑफिसर मे डिटरमाइन हैविंग रिगार्ड टू द यूज ऑफ द एसेट। भाई सीधी सीधी सी बात है, जितना प्रोपोर्शन बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है वो डेबिट हो जाएगा, जितना प्रोपोर्शन पर्सन से रिलेटेड है वो डेबिट नहीं होगा। 37 जे लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी लिमिटेड ऑन 7th of May 2024 86,000 rupees फॉर विच अ पेमेंट ऑफ 5,000 rupees वॉज मेड इन अ कैश। तो 5,000 रुपए का कैश पेमेंट है, 12 तारीख को अलाउड है, 10,000 से कम है। 40,000 रुपए वॉज मेड बाय बीरड चेक, तो 40,000 रुपए का जो बीरड चेक है ये अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि बीरड चेक है। एंड 41,000 रुपए वॉज पेड बाय एन अकाउंट पे चेक, तो 41,000 का अकाउंट पे चेक हम लोग अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसअलाउंस, डिसअलाउ कितना करना है? तो 40,000 रुपए डिसअलाउ करना है, अभी तो हमने डिस्कस कर ही लिया। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वो कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पॉइंट नंबर ए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलत, कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलते नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलता है। सीएसआर एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, बिल्कुल ठीक बात है, सीएसआर का खर्चा अलाउड नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। एक्सपेंस इन द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस इज अलाउड, गलत बात है, पर्सनल एक्सपेंसेस डेबिट नहीं हो सकते, नन ऑफ द अबव, ये वैसे हट गया। 39 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है जो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एक्सपेंस इन द नेचर ऑफ पर्सनल और कैपिटल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37, बिल्कुल ठीक बात है, ये खर्चा डेबिट नहीं होता। एक्सपेंस इन द नेचर ऑफ पर्सनल और कैपिटल एक्सपेंस इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37, नहीं ये तो स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट अलाउड है, ये वाली स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है, वो तो ये पूछ रहे हैं क्या गलत है। एक्सपेंस ऑफ सीएसआर एक्टिविटी इज नॉट अलाउड, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, एंड नन ऑफ द अबव हट गया, तो आंसर इज बी। 40 एज पर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज कवर्ड, 40A2 बेसिकली हम लोग बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अगर आप गुड्स ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं अपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन से, तो इसका मतलब यहां पे सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात होती है सेक्शन 40 में। 41 अ कैश पेमेंट ऑफ 17,000 रुपीज वॉज मेड बाय जे लिमिटेड अगेंस्ट बिल नंबर 1 टू अ कॉन्ट्रैक्टर एंगेज इन प्लाइंग ऑफ पैसेंजर कैरेज। ओहो, आपको तंग करने के लिए दे दिया पैसेंजर कैरेज, ये पैसेंजर कैरेज लिखा हुआ है, दैट मीन बसेस की बात कर रहा है, यहां पे ट्रक्स की बात नहीं हो रही, गुड्स कैरेज की बात नहीं हो रही है। जो रिस्ट्रिक्शन लगती है, जो रिस्ट्रिक्शन 35,000 रुपीज की है, वो ट्रक ऑपरेटर्स के लिए है, वो रिस्ट्रिक्शन इसके लिए नहीं है, बसेस वालों के लिए नहीं है। इस वजह से यहां पे 17,000 पे सारा का सारा डिसअलाउ होगा, जो एग्जामिनर पूछ रहा है कि डिसअलाउ कितना करना, सारा का सारा डिसअलाउ होगा। क्वेश्चन नंबर 42 अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच एसएससी कैन फॉलो शैल बी, मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी कैश, इट कैन बी मर्केंटाइल, एट द चॉइस ऑफ द एसएससी कोई भी मेथड फॉलो कर सकता है। 43 फॉर द कंपटीशन ऑफ बिजनेस इनकम फॉर सम स्पेसिफाइड एसएससी द एसएससी हैज टू फॉलो, याद रखिएगा कंपटीशन ऑफ बिजनेस इनकम फॉर सम स्पेसिफाइड एसएससी द एसएससी हैज टू फॉलो। आप ये क्वेश्चन को छोड़ दें, यह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ICDS नाम का एक टॉपिक आता है जो कि CMA इंटरमीडिएट वालों के लिए रेलेवेंट है, बाकियों के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं इसको, और CMA इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। 44 नंबर पे आ जाए, एनी सम रिसीव बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एम्प्लॉयर को पैसा मिल रहा है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का,
टैक्सेबल होगा एज द इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. 45 एनी अमाउंट विच इज अर्न्ड फ्रॉम एजेंसी बिजनेस बंद करने पे आपको कंपनसेशन मिल रहा है अगेन टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. एंड क्वेश्चन नंबर 46 इन केस एसएससी फॉलोज अ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोनस एंड कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉई इज अलाउड एज अ डिडक्शन ऑन डेफिनेटली ड्यू बिजनेस अंडर 43B कि जितना पैसा आपने पे कर दिया उतना तो आप डेबिट कर लीजिए और पे करना है आपने आईटीआर की ड्यू डेट तक. इसका मतलब यह हुआ कि आईटीआर की ड्यू डेट तक जितना आपने पे कर दिया वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा और जो आईटीआर की ड्यू डेट के बाद पे करेंगे वो उस साल डेबिट होगा जिस साल आप उसे पे करेंगे. ठीक बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर. एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो आपने पॉइंट नंबर 5 लिखा था ना यहाँ पे, ये जब हम लोगों ने आज की क्लास स्टार्ट करी थी क्लास नंबर 3, तो यहाँ पे आपने पॉइंट नंबर 5 लिखा था तो वहां गलती से मैंने लिखा था द लिमिट ऑफ 20,000. तो 20,000 की लिमिट नहीं है, लिमिट 10,000 की है. तो आप इसे प्लीज 10,000 लिख दीजिएगा. द लिमिट ऑफ 10,000 पे विल बी टेकन एज 35,000 पे इन केस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स. बिल्कुल ठीक बात है, ट्रक ऑपरेटर्स के बारे में बात हो रही है, पैसेंजर ऑपरेटर्स या पैसेंजर्स के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. चलो, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे उसके जो एमसीक्यूज है वो भी शेयर कर दिए हैं, वो भी डिस्कस कर दिए हैं. चैप्टर को अच्छे से करिए, चैप्टर में थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ रेलेवेंट है, एमसीक्यूज रेलेवेंट है. जहां पे डाउट हो, कभी भी अगर आपको डाउट हो टॉपिक में तो मेरे से जरूर पूछेगा. आज के लिए हम लोग यहां तक करेंगे, ये वाला क्लास हम लोग वाइंड अप करेंगे. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सेक्शन नंबर 35 जो साइंटिफिक रिसर्च का है वो स्टार्ट करेंगे. टिल दैट टाइम, बाय बाय.